रॉबर्ट एक्सपर्ट हैं, किस लिए आपको यहाँ बुलाया गया? सो यहाँ पे हमें इसलिए यहाँ पे मैं हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी 41 लोग फंसे हुए हैं उनकी मेंटल वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये होम ग्रोन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, हालांकि मेरा बहुत ही छोटा सा एक रोल है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अंदर कोई इतने दिन तक फंसा रहता है तो उसकी मानसिक जो हालत होती है वो बहुत ही असंतुलित हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि उनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगे, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे, साथ ही साथ हम वहां पे लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे टनल के अंदर। और उसके साथ ही साथ जो कि अंदर की तरह के विभिन्न तरह की गैसेज आ रही है, जैसे मीथेन हो गई और भी तरह की जो हजार्डस गैसेज हैं उनको भी डिटेक्ट करने में ये पूरा रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम मदद लेगा जी। आपको यहाँ जो बुलाया गया क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी एजेंसी की तरफ से? सो यहाँ पे हमारे एक रिस्पेक्टेड कर्नल सर हैं, तो उन्हीं से हमारी काफी समय से भी बात हो रही थी और वो प्रॉब्लम हमें बताते थे और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन डेवलप कर पा रहे थे वो हम करते जा रहे थे। और फाइनली काम कैसे करेगा क्योंकि काफी दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? हाँ जी, तो जी, तो ये एक रेस्क्यू रोबोटिक, ये स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम है जिसमें 3-in-1 चीजें होती हैं। लाइक आपको हमने बताया कि गैस डिटेक्शन सिस्टम है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो अपने स्टैंड अलोन पॉइंट से 100 मीटर तक राउंड द क्लॉक उनकी हेल्थ मॉनिटर करेगा। और कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर अंदर फंसा रहता है तो उसको हम लोग जितना भी कहते नहीं मेंटल वेलबींग के लिए चीजें दे सकें तो वो करेंगे। और उससे बड़ी चीज ये कि ये होम ग्रोन है और मेरा, मैं कोई प्रोफेशनल रेस्क्यूअर नहीं हूं बट देन मेरे जो स्किल सेट है जैसे टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड रोबोटिक्स, उसकी मदद से, इससे पहले भी एक बिल्डिंग गिरी थी लखनऊ में अलाया जिसमें 14 लोगों को जिंदा निकाला था, उसमें भी मैंने अपने रोबोटिक सिस्टम लगाया था सर्च एंड रेस्क्यू। सो एक देश के नागरिक होने की मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे कठिन वक्त पे मैं आऊं, मैं लखनऊ से यहाँ आया हूँ। मतलब टेक्नोलॉजी थर्मल स्कैनिंग पे काम करती है, कोई डिवाइस उन तक भेजा जाए? जी बिल्कुल, तो ये एक रिस्पॉन्डर सिस्टम है जो कि स्टैंड अलोन यही रहेगा और फिर 100 मीटर की लेंथ पे हमारे बाकी सेंसर्स आगे जाएंगे। तो ये एक और वो, क्योंकि यहाँ पर पैसेज नहीं उस पार, हाँ वो जो लाइफलाइन यानी कि अप्रोच जो बनाया है, जो लाइफलाइन है वो उसी के, वो बहुत ही छोटे छोटे हमने डेवलप किए ताकि उस लाइफलाइन से हम लोग वहाँ पे। कितना लगभग सर समय लगेगा आपको इस पूरा सेटअप करने में? देखिए सेटअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बट अब ये नहीं कहना मुश्किल है कि कितने समय में चीजें पूरी तरह से एग्जीक्यूट होंगी, बट देन हाँ यकीनन बहुत जल्दी ही होंगी। तो ये है जी, दिखा सकते हैं। सर इसका आप इसका डेमो कब शुरू करेंगे आप? इस चीज की शुरुआत कब करेंगे? ये डिसाइड करेंगे बाकी जो हमारे ऑफिसर्स हैं कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे क्या लगाना है। आप जाएंगे टनल के अंदर? 3 3 जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। और क्लियरेंस मिलते ही आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे? जी इम्प्लीमेंट करते हैं। और